आपने 2017 के पहले जंगलों की कटान के दृश्य तो देखे ही होंगे। 17 के पहले तो पेड़ काटे जाते थे, लेकिन अब 17 के बाद अब पेड़ लगाए जा रहे हैं, उनकी रक्षा हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महाराजगंज में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि 2017 के पहले पेड़ काटे जाते थे, लेकिन आज पेड़ लगाए जाते हैं। आज पेड़ न कटे इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 करोड़ से अधिक उज्ज्वला योजना के कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं, ताकि पेड़ और पर्यावरण को बचाया जा सके। आगे सीएम ने कहा कि 100 वर्ष से ऊपर के वृक्षों को बचाने के लिए हेरिटेज घोषित किए गए हैं। प्रकृति के साथ जो विकास होगा वह स्थायी होगा। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। यूपी पहला राज्य है देश का और दुनिया का पहला राज्य होगा जिसने 7 वर्ष में 200 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के बड़े लक्ष्य को आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, आपने 2017 के पहले जंगलों की कटान के दृश्य तो देखे ही होंगे, और मुझे लगता है क्यों फतेह बहादुर सिंह जी, 17 के पहले तो पेड़ काटे जाते थे, लेकिन अब 17 के बाद अब पेड़ लगाए जा रहे हैं, उनकी रक्षा हो रही है और उनको बचा करके हम न केवल प्रकृति को बचा रहे हैं बल्कि अपनी वर्तमान पीढ़ी को भी बचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हरियाली नहीं रहेगी, प्रकृति नहीं बचेगी, तो मानवता के सामने संकट आएगा। आज आप क्लाइमेट चेंज देख रहे होंगे, असमय बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना, बादल फटने की घटना, आकाश से बिजली गिरने की घटना। जब बारिश होनी है, पूरी फसल चक्र ही चेंज करनी पड़ रही है, एक क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव है। प्लास्टिक के कचड़े को दूर करना, प्लास्टिक मुक्त करना, ये हमारे गोवंश को भी नुकसान करता है, खेती को भी नुकसान करता है, प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाता है, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन साथ साथ अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, आज पेड़ न कटे इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों को फ्री में रसोई गैस के उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिलाए हैं। हमने उत्तर प्रदेश में कहा कि जो 1,86,00,000 कनेक्शन धारी उत्तर प्रदेश में है, इन सभी को हम होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे, और हमारी सरकार इसको उपलब्ध करवाने का काम कर रही है। अभी दीपावली आएगी, फिर फ्री में सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे। बहन और भाइयों, ये जंगल केवल जंगल नहीं है, ऑक्सीजन के भी हमारे केंद्र है, लेकिन साथ साथ इनके माध्यम से हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं, प्रकृति और जीव जंतुओं को बचा सकते हैं, मनुष्य को भी बचाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। और उसी का निर्वहन करने के लिए इसकी एक शुरुआत आज यहां पर हुई है। वन विभाग ने अन्य तमाम कार्य किए हैं, जैसे 100 वर्ष पुराने पेड़ों को बचाने के लिए हेरिटेज वृक्षों की एक श्रृंखला प्रदेश के अंदर खड़ी की है, उनको चिन्हित करना, उनको बचाने की तैयारी करना, उन्हें हर तरीके से आगे बढ़ाने का काम करना। और साथ साथ प्रदेश सरकार ने यह भी व्यवस्था की है, पहले की तुलना में अधिक से अधिक लोग इनके नजदीक आ सके, इसके लिए वेटलैंड की घोषणा करना, पक्षी विहार बनाना, टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित करना, वहां पर भी उनके संरक्षण के लिए नए नए उपाय करना। और उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में जंगलों के दायरे भी बड़े हैं, आज प्रदेश में हरियाली का दायरा भी बड़ा है, प्रदेश के अंदर हम अन्य जंगली जीव जंतुओं को बचाने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।